नमस्कार दोस्तों, कॉइन लैरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बगल वाला जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने 5 रुपया का एक निकेल ब्रश की कॉइन आप लोगों को दिखाएगा और उसका जानकारी भी देगा। दोस्तों मैंने जो सिक्के दिखा रहा हूँ, ये सिक्के की नाम है सेंटेनरी ऑफ कुमागाटामारू इंसिडेंट। ये सिक्के मिंटेज हुआ था 2014 में, इंडिया का 4 मिनट से मिंटेज हुआ था, लेकिन इसके अंदर 2 मिनट की कॉइन स्क्वायर कॉइन है, और स्क्वायर कॉइन होने से इस कॉइन की प्राइस भी ज़्यादा है। कुमागाटामारू इंसिडेंट, ये जो 5 रुपया कॉइन आप लोग देख रहा है, ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है स्क्वायर कॉइन, और कैलकाटा मिंट का कॉइन भी स्क्वायर कॉइन, लेकिन कैलकाटा मिंट का जो कॉइन है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और उसका बाद ये हैदराबाद मिंट का कॉइन की प्राइस है। तो दोस्तों मैंने कॉइन एज किताब से इस कॉइन का प्राइस बताएगा नहीं, लेकिन एक अंदाज़ आप लोगों को दे देता हूँ। ए सिक्के अगर UNC होगा तो ए सिक्के ज़रूर सेल होगा, और मैंने जो सिक्के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये मुझे दुकान से मिला है। देखिए इसका कंडीशन देखिए, ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, निकेल ब्रश की ये 5 रुपया सिक्के जो दुकान बाज़ार से मिलता है दोस्तों, वो सिक्के की रीसेल वैल्यू कुछ नहीं मिलता है। ये अगर JM UNC होगा, नया सिक्के होगा, तब ये सिक्के की प्राइस ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान में रखिए। दुकान बाज़ार से हम लोग का हाथ में बहुत सारे ऐसा सिक्के आता है, लेकिन वो सिक्के की रीसेल वैल्यू नहीं है, जो इसका फेस वैल्यू है 5 रुपया, तो 5 रुपया ही फेस वैल्यू होगा, लेकिन ये 50 रुपया में सेल नहीं होगा। और जो नया सिक्के पैकेट से खुला हुआ सिक्के है, एकदम व्यू कंडीशन का जो UNC सिक्के कहा जाता है, अगर वो सिक्के होगा तो इसको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। तो कैलकाटा का प्राइस हाई है, एक कैलकाटा मिंट वाला सिक्के बहुत कम मिलता है, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा है, और हैदराबाद वाला मिंट का प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोलकाता मिंट का प्राइस है, और वो UNC होना चाहिए। मैंने जो सिक्के दिखाया, इस कंडीशन का सिक्के की रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को मैंने बता दिया, जो दुकान बाज़ार से निकेल ब्रश वाला 5 रुपया सिक्के मिलता है, वो सिक्के की रीसेल वैल्यू नहीं है। तो मतलब आप लोग दुकान बाज़ार से जो सिक्के कलेक्शन किया या आपका पास आ गया, आप लोग सोचेगा जो ये सिक्के हम सेल करेगा, वो सेल नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।